आज की दौड़ मुश्किल है तो यह जरूरी नहीं कि कल की दौड़ भी मुश्किल होगी, क्योंकि हर दिन एक सा नहीं होता। किसी दिन दौड़ बहुत मुश्किल हो जाती है तो किसी दिन बहुत सरल। रोजाना की रनिंग सरल हो सकती है और इसके लिए जरूरी है खुद को मोटिवेट करते रहना। मोटिवेशन से ही विफलता से सफलता हासिल की जा सकती है। अगर आप सभी तरह की परिस्थितियों में अपने आप को प्रोत्साहित रख पाते हैं तो आप जरूर सफल होंगे, अन्यथा प्रोत्साहन के अभाव में निराश व्यक्ति विफल हो जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपने आप को दौड़ के लिए प्रोत्साहित करते रहिए, अपने आप को जीत के लिए मोटिवेट करते रहिए। खुद को प्रोत्साहित करने के लिए इन बातों को जरूर आत्मसात कर लेवे। पहली ये कि विफलता से सीखे। दौड़ में जब आप हार जाए तो निराश ना होए, बल्कि विफलता से उबर कर आगे बढ़े। विफलता को दरकिनार करके खुद को प्रोत्साहित करे, खुद को मोटिवेट करे और जीत की तरफ आगे बढ़े। दूसरा ये कि आप सेना या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, यही आपका सबसे बड़ा सपना है। अपने इसी सपने को हमेशा याद रखें। मुश्किल समय में, विकट परिस्थितियों में आपका यही सपना आपको मोटिवेट करेगा। खुली आंखों से देखे गए सपने ही अक्सर सच होते हैं। तीसरा ये है कि छोटी से छोटी जीत का भी जश्न मनाएं। जैसे कि आपने कोई छोटी सी उपलब्धि हासिल की तो उसका भी जश्न मनाएं। जैसे आपने 100 मीटर की प्रैक्टिस दौड़ बहुत अच्छे समय के साथ पूरी की तो इसका भी जश्न मनाएं। जब हम कुछ हासिल करते हैं तो हमारा मन विश्वास से लबरेज हो जाता है और ये क्षण हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी से छोटी जीत का भी जश्न मनाएं और बड़ी बड़ी रेसें जीते। नाउ ओके फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।